क्या आप एक पुरुष है और आपका जो पार्ट है वो टेढ़ा हो गया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल आपका पार्ट जब आप देखते हैं तो वो या तो लेफ्ट साइड को या फिर राइट साइड को ऐसे टिल्ट हो गया है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप कभी संबंध ही ना बना पाए या फिर आपको बच्चा करने में दिक्कत हो? तो अगर ऐसा कोई भी आपका डाउट है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट टेढ़ा होने से लोग सोचते क्या है, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो मतलब संबंध बनाने की प्रक्रिया से ना जुड़कर खुद की खुद जो चीज़ें होती हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्ट है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसकी वजह से जो आपका पार्ट है उस पर असर होगा और वो टेढ़ा हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन क्या हैं कि क्या उल्टा लेकर करने से ये चीज़ें होती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप उल्टा लेट करके खुद की खुद ये चीज़ें करते हैं तो वो आपके पार्ट की पोजीशन के अंदर दिक्कत लेकर आ सकती हैं और उसकी वजह से आपका पार्ट टेढ़ा हो सकता है। तो वो चीज़ें आप अपनी डेली प्रैक्टिस में मत कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या संबंध बनाने में दिक्कत होगी अगर पार्ट टेढ़ा हो गया? तो मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि किसी का भी पार्ट ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम सीधा हो। जो आप वीडियोज़ में देखते हो या फिर जो आप कहानियों में पढ़ते हो वो ऐसा सच में नहीं होता है। वो जो आपका पार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट अगर है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब आपको उससे दिक्कत महसूस हो रही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा राइट या फिर थोड़ा सा लेफ्ट है तो मैं अपने पार्टनर को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा या मैं संबंध बना ही नहीं पाऊँगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप नॉर्मल हैं, आप संबंध भी बना सकते हैं और आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट भी बिल्कुल ज़रूर होंगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो सकती है? तो जी नहीं, जब आपको संबंध बनाने में दिक्कत नहीं हो रही तो बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और बच्चा पैदा करने की चीज़ें जुड़ी होती हैं किस चीज़ से? शुक्राणुओं से। और उस पार्ट में शुक्राणुओं का कोई मतलब नहीं है, वो बनते हैं एक अलग जगह पर, तो वो वहाँ से सिर्फ मतलब वो एक रास्ता है उनको ले जाने का। तो एज सच अगर रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है उस चीज़ में भी। अब क्वेश्चन कि क्या मेरी महिला साथी संतुष्ट नहीं होगी, ऐसा होगा? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है या फिर टेढ़ा है तो उसकी वजह से जो आपकी महिला साथी है वो संतुष्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सोचने की ज़रूरत कब है, दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब आप पेशाब कर रहे हैं उसके अंदर आपको दिक्कत हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, या फिर आपको कोई गांठ जैसा या फिर कोई ऐसा चीज़ दिखती है कि वो इतना ज़्यादा मुड़ गया है कि मेरे को उस रास्ते में जब भी मैं पेशाब कर रहा हूँ जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो चीज़ों की। या फिर आप संबंध बनाते हैं तो जो आपका पोजीशन है वो ठीक से नहीं आ पा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कमजोरी सी महसूस हो रही है उस जगह पर, तब दिक्कत है। बिल्कुल, तब आपको करना क्या है, तब आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना है और आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना है और जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर माइनर सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट है और खुद सिर्फ टेंशन ले रहे हो और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, ना पेशाब में कोई दिक्कत आ रही और संबंध बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे किसी व्यूअर ने ही मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, उसके जवाब में मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि आपका जो भी डाउट है वो इससे क्लियर हो पाया होगा, और अगर आपका भी कोई डाउट है तो वो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो साझा करूंगी आपके साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।